नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष बुधवार षष्ठी तिथि शाम 8:50 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा सुबह 8:08 तक पुष्य नक्षत्र में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, अत्यधिक बुद्धिमान, कल्पनाशील, परिवर्तनशील आचरण वाले, अपने निर्णय को शीघ्रतापूर्वक बदलने वाले, धारा प्रवाह बोलने वाले, कलात्मक अभिरुचियों वाले, साहित्य तथा संगीत के प्रेमी, यात्रा प्रिय और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। आज भी चंद्रमा की युति राहु के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षत्र बुध का होगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता के साथ ही साथ विचारों में बार बार परिवर्तन का दौर आता रहेगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, याददाश्त भी प्रभावित हो सकती है। अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी होने या गायब होने का अंदेशा भी बनता है, मगर गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से कई नकारात्मक विषयों में कमी आएगी, उचित मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रेरणा कायम रहेगी। हालांकि नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्यभार भी बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के जातकों के व्यावसायिक स्तर और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयासों की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास कार्य क्षेत्र में सहयोगी रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक भ्रम की स्थिति, मां के स्वास्थ्य की चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है। हालांकि घरेलू काम संपन्न होंगे, आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के प्रयासों में वृद्धि होगी और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और व्यावसायिक गतिविधियों में उत्थान की प्रवृत्ति बनी रहेगी। निजी निवेश और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग जारी है, कुछ कामों में विभागीय कर्मचारियों के सहयोग में कमी संभावित है, मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, विरोधियों से भी धन लाभ संभव है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, विद्यार्थी सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य ऊर्जा में थोड़ी कमी और मानसिक दबाव संभावित है। हर काम के प्रति अनावश्यक व्यग्रता, जल्दबाजी की प्रवृत्ति के साथ मानसिक भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आएंगे, सकारात्मक पहल जारी रखें, आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के कामों में व्यग्रता और जल्दबाजी उचित नहीं होगी, अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। शाम का समय राहत व सुकून वाला महसूस होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारी के साथ साथ कार्य क्षेत्र की उपलब्धि और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव और पारिवारिक तालमेल में कमी भी संभावित है। हालांकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें और वाद विवाद से दूर रहें, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों के प्रति चिंता लगी रहेगी, विद्यार्थी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें, अपने सामान के प्रति सचेत रहें, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक भाग दौड़, अनचाही यात्रा और अपने सुख संसाधनों पर खर्च वाला मिला जुला समय रहेगा। मानसिक रूप से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचारों और मानसिक दबाव से राहत मिलेगी और कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे, अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि से सावधानी अपेक्षित है। हालांकि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का समय कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको विकसित करने में व्यतीत होगा। रचनात्मक पहल जारी रहेगी। कार्य योजनाओं के नए अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक लाभ बना रहेगा। पारिवारिक और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र का विकास होगा। आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। सामाजिक सहयोग जारी रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में दुविधापूर्ण स्थिति, वाद विवाद और नकारात्मक व्यक्तियों का हस्तक्षेप संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कामों में दुविधापूर्ण स्थिति बन सकती है। निर्णय लेने में सावधानी रखें। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष वाली स्थिति, कामों में रुकावट, सरकारी हस्तक्षेप संभावित है, मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित मानसिकता विकास के प्रति केंद्रित रहेगी और कुछ काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक दायित्व पर खर्च का अनुमान है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। साझेदारी के मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। साथ ही साथ वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। चंद्रमा आठवें चल रहे हैं। अनावश्यक यात्राओं, मानसिक तनाव और भ्रमात्मक स्थिति वाला समय संभावित है, मगर कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनने लगेगी और आवश्यक सहयोग मिलने लगेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है। सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों की कार्य ऊर्जा बढ़ी रहेगी और उपलब्धियों का दौर जारी रहेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विभागीय कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। अपनी कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अधिकारियों का दिशा निर्देश जारी रहेगा। साथ ही पारिवारिक सामंजस्य में कमी संभावित है। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा। मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में उतार चढ़ाव संभावित है। चंद्रमा छठवें घर में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक होगा। हालांकि प्रतियोगी भावना विकसित होगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ कामों में रुकावट हो सकती है और साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक पक्ष सहयोगी रहेगा। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। राहु चंद्रमा की युति पंचम भाव में चल रही है। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे। किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्तावों के लिए आज का समय उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। आर्थिक मामलों में सहयोग संभव है, मगर आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण रह सकता है। सफलता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ॐ नमः शिवाय।